आज हमारी नई मॉर्निंग और 31st का दिन है। रात में तो हम मनाने वाले हैं न्यू ईयर को, पर अभी जा रहे हैं बिस्टर विलेज। ये एक ऐसा विलेज है जहाँ पे सारी ब्रांडेड शॉपिंग मिलती है कंपैरेटिवली डिस्काउंटेड प्राइस में। मुझे नहीं पता था, कानन को पता था, और मुझे नहीं जाना है, कानन को जाना है, पर कानन जा रही है शॉपिंग कराने मेरी, तो कानन कर रही सारी मेहनत। शी इज ओनली एक्साइटेड कि उसको जाना है वहाँ पे, पर मैं एक्साइटेड अब धीरे धीरे हो रहा हूँ बिकॉज मेरी शॉपिंग होने वाली है आफ्टर लॉन्ग। सो मजा आएगा, चलते हैं बिस्टर विलेज में। वे जिसमें हम जा रहे हैं, अभी तक तो हम कैब में बैठे हैं, तो कैब का वे भी ठीक है, अच्छा लंदन घूम रहे कि भाई कैसा बनाया था इन्होंने, देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं ट्रेन में जो एक घंटे में हमें पहुंचा देगी बिस्टर विलेज। इंटरेस्टिंग सी ट्रेन है बिकॉज अभी तक खाली है, आई होप खाली ही रहे ताकि हम आराम से कंटिन्यू कर पाए अपनी जर्नी। So you get some particular hours to work? Yeah. So during the study time, we एक भी IPO नहीं लगा, बाकी सब हो गया। सो बिस्टर विलेज में हम लोग अभी शॉपिंग कर रहे हैं और शॉपिंग चालू है। यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिले, बोले सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस साला IPO नहीं लग रहा है यार। मतलब यहाँ से इंडिया से लेके लंदन तक IPO की दास्तां सेम चल रही है। हो गई हमारी शॉपिंग रेडी, कानन की भी हो गई है रेडी, और काफी सारी शॉपिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, और अभी हम खड़े हैं राल्फ में। अभी तक मैंने 3 जगह शॉपिंग कर ली है, तो अब मेरे को फाइनली लग रहा है कि हाँ यार मैं शॉपिंग करने आया हूँ एंड इट्स फन। और अभी वाला बिल मेरा थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो उसको देख के मुझे थोड़ा मजा ज्यादा आएगा। मैं अब एक्चुअली थोड़ा सा सैड फील कर रहा हूँ बिकॉज बिल थोड़ा ज्यादा था, और बिल देख के सैडनेस तो होती है। कानन तू भी सैड होना थोड़ी सी, इनको पता नहीं क्यों नहीं सैडनेस होती। मैं कभी नहीं समझ पाया कि विमेन को शॉपिंग में बिल लग, शॉपिंग इज अ थेरेपी नॉट फॉर टेकिंग टेंशन। क्या करें यार, मेरी तो हो गई बर्बाद जिंदगी, ऑल तो सारी शॉपिंग मेरी हुई है, पर ठीक है। यहाँ पे एकदम स्नो आ गया है, ऑल दो आर्टिफिशियल है, पर लग बहुत स्वीट रहा है, ये तो बहुत सही काम हो गया। अब हम आ गए हैं लंच करने के लिए, और लंच में हम करने वाले पिज्जा, पास्ता एंड जूसेस। पिज्जा आ गया है, जूस आ गया है, पास्ता आना बाकी है, और कानन का एक कुछ लेमोनेड है वो भी आना बाकी है। कानन यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी, क्या फ्री में दे रहे हैं क्या कुछ? हाँ दे रहा है ना, गरम गरम हवा अंदर, हीटर चल रहा है। अच्छा हीटर लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है लोगों की? वाह लगाओ लाइन में। नहीं नहीं भाई, अपने को लाइन लगाने की कुछ, गुची में हमने सुबह से नंबर लगा रखा है, अभी तक ही नहीं आया। आप नहीं जा रहे गुची, नहीं जा रहे। कौन सी ब्रांड है ये? भगवान जाने क्या क्या ब्रांड है। भाई लोग आप लोग कहाँ काम वाम में लगते हो, ऐसे कोई एक ब्रांड निकालो, अंधाधुन महंगे बेचो चीजें और मस्त पैसे कमाओ। क्यों, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? आपको लग रहा होगा कि कानन सो रही है, नहीं, पीछे एक इंडियन कपल बैठा है और थोड़ी फनी बातें कर रहा है, मतलब थोड़ी वियर्ड सी अजीब सी और गरीब सी बातें कर रहा है। इसमें लड़की स्टाइलिश है, लड़का थोड़ा सा बहाने बना रहा है कि क्यों उसको शॉपिंग नहीं करने है, क्यों शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। कानन बैठे बैठे आराम से उनकी बातें सुन रही है और कुछ नहीं, मुझे लगा ये सो रही है, सो नहीं रही है, इंजॉय कर रही है, जो इंडियंस का फेवरेट टाइम पास होता है, इसको अपना लाइव बिग बॉस मिल गया है ये। जा रहे हैं बस में बैठ के एक सिटी टूर करने के लिए, जहाँ पे हम ऑलमोस्ट पूरी सिटी को कवर करेंगे, उसके बाद ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और रीजेंट स्ट्रीट के आसपास थोड़ा टाइम पास करेंगे। इवनिंग में आई थिंक हम पिकेटी सर्कस वापस से जाएंगे और वहाँ पे कुछ खाना खाते हुए रिटर्न आ जाएंगे। ये देखो आपका चल रहा है लंदन का बहुत ही प्यारा सफर, ऊपर की सीट मिल गई है तो मजे मस्त आ रहे हैं, पूरा एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। इनकी स्ट्रीट में हमें मिल गया जैम रोल, वेफी, और इधर हम ले रहे हैं वीगन नूडल्स। एक्साइटेड फॉर नूडल्स? देखो अच्छा लगता है ना ऐसे उल्टी पुल्टी चीज़ें, लेट्स ट्राई। हमने सभी घर वालों की, इवन मम्मी के लिए, दादी के लिए, देवी के लिए, सब के लिए भर भर के शॉपिंग कर ली। बैग्स मैंने अभी आपको दिखा दिए। अब कानन आई है थोड़ी सी फाइनल मेकअप की शॉपिंग करने, ताकि वो मेकअप को एंजॉय कर सके, क्योंकि वो शॉपिंग कर रही है, मेरे पास कुछ काम नहीं है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ वेट एंड वॉच करने, तो मैं एक ऐसे एरिया में बैठा हूँ जहाँ पे थोड़ा शांति से मैं बैठ सकूँ थोड़ी देर। दैट्स इट, खाने वाला हूँ एकदम डोसा और लस्सी। कानन लेने गई है कुछ जापानीज खाना। ये तो हमारा बहुत ही अमेजिंग सा मॉल निकला। यहाँ पे हमारी ड्राइव थोड़ी सी दूर है अभी, और हम बाहर आए और पता चला सामने एकदम स्केटिंग चल रही है और बहुत प्यारा सा माहौल हो रखा है, क्रिसमस ट्री भी बना हुआ है। हमारी कैब आने वाली है, एंड सरप्राइजिंगली कैब आ रही है मर्सिडीज बेंज। क्या बात है, कानन खुश हो गई, बोले चलो आखिरी राइड बड़ी धमकी दे रहे हैं ये लोग।
यहाँ पे हम लोग आ गए एरियल व्यू में फाइनली, बड़ी डिफिकल्टी से पहुँचे हैं यहाँ तक। सो फाइनली हमारी लंदन की ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होती है। अभी हम आज गए लाउंज में, लाउंज में खा रहे हैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट, जूसेस, आइस टी और काम पी रही है कॉफ़ी। इसके बाद हमें सीधे लेने इंडिया की फ्लाइट। आई होप आपको इस कंप्लीट सीरीज़ में जहाँ पे हमने लंदन कवर करके आपके सामने बताया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें बिना मत जाइएगा, एंड आई विल सी यू वेरी सून। डू सब्सक्राइब ऑल्सो अगर मज़ा आ रहा हो।